दोस्तों अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो भाई मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे मेरे चैनल पर आप लोगों को ओरिजिनल कंटेंट के साथ क्वालिटी भी देखने को मिलती रहेगी हमेशा। सो गाइज, दो दिन से मैंने आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करके नहीं दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से सॉरी, क्योंकि गाइज कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन गाइज आज के वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ मोनेटाइजेशन के कुछ बातें। यहाँ पे देख लीजिए, मोनेटाइजेशन में जब आप लोग अपने चैनल को भेजते हैं तो उससे पहले आप लोगों को किन चीज़ों का ध्यान रखना है और मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाता है उसके बाद आप लोगों को किन किन चीज़ों को फॉलो करना है, तो इसी के बारे में आज के वीडियो में आप लोगों को पूरी बातें सिखाने वाला हूँ। बस आप लोगों को वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। दोस्तों आप लोग आए फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर, नए चैनल कर लेना सब्सक्राइब, साथ में ना बेल आइकन को प्रेस मत कर जाना, ऐसे नए नए वीडियो लाते रहता हूं। तो चलिए फिर से आज का वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। सो दोस्तों यहाँ पे मैंने मोनेटाइजेशन के दो पार्ट डिवाइड करके रखा हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, जब आप लोग अपने चैनल को मोनेटाइज के लिए रिव्यू में भेजते हैं उससे पहले आप लोगों को किन चीज़ों का ध्यान रखना है और यहाँ पे अगर फाइनली आपका चैनल का मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाता है उसके बाद आप लोगों को क्या चीज़ को फॉलो करना है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। अगर वीडियो आप लोग पूरा ध्यान से देख लेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से जान लेंगे। गाइस यहाँ पे देख लीजिए, जब आप लोग मोनेटाइजेशन अपने चैनल को भेजते हैं उससे पहले आप लोगों को अपने चैनल पर क्या चेक करना है, तो यहाँ पे देख लीजिए बहुत से लोग गलती कर लेते हैं स्टार्टिंग में, ये गलती आप लोगों को नहीं करना है। जैसे कि हमारे टेक टॉप भाई के साथ हुआ है, उन्होंने रीयूज कंटेंट यूज करा था बहुत पहले, जब उन्होंने चैनल को स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था तभी उन्होंने अपने चैनल पर रीयूज कंटेंट डाला था, जिसकी वजह से उनका फाइनली मोनेटाइजेशन यहाँ पे अप्लाई उन्होंने करे लेकिन यहाँ पे इनेबल नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे उनको एक मेल आ गया रीयूज कंटेंट आपके चैनल पर है इसी वजह से आपका चैनल का मोनेटाइजेशन हम इनेबल नहीं कर सकते। अब उनको एक मंथ का टाइम मिला है, एक मंथ के बाद ही वो अपने मोनेटाइजेशन को फिर से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए आपको क्या ध्यान रखना है, जब आप लोग अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने से पहले एक बार चैनल को पूरा चेक कर लेना, अगर आपने गलती से भी रीयूज कंटेंट अपलोड करा है तो उसको आप लोगों को डिलीट करना है। अब रीयूज कंटेंट में क्या क्या चीज आती है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। जैसे कि आप लोग को तो पता होगा स्टेटस हो गया है, स्टेटस और टिकटॉक की जो वीडियो है उसका तो चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, ये तो आप लोग को पता है। अगर आपने ये वीडियो डाला है इसको डिलीट कर देना, उसका यहाँ पे जैसे कि किसी की कोई न्यूज चैनल की वीडियो आपने उठा के अपने चैनल पर डाल दी है तो वो भी आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है, उस वीडियो को भी आप लोग को डिलीट कर लेना है। मान लीजिए आपने अपनी वीडियो खुद अपने चैनल पर डाली और फिर से वो वीडियो अपलोड करके डाल दिया या फिर किसी के चैनल की वीडियो उठा के अपने चैनल पर डाल दी है तो उसको भी आपको डिलीट करना है, आपकी खुद ओरिजिनल कंटेंट होनी चाहिए, उसके बाद आपको मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना है, तो ये बात का ध्यान रखना है। और देख लीजिए यहाँ पे बहुत से लोग ये दो चीज के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक। अब बहुत से लोग क्या बोलते हैं, हमारे चैनल पर कॉपीराइट क्लेम मिला है तो क्या हम मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करें, तो यहाँ पे उनको मैं बोलना चाहूंगा बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा पॉलिसी के अंदर नहीं लिखा है कि क्लेम मिलने के बाद आप लोग मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। क्लेम एक अलग चीज है, स्ट्राइक एक अलग चीज है। अब यहाँ पे देख लीजिए, स्ट्राइक भी मिलती है आप लोगों को, फिर भी आप लोग अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई पॉलिसी ही नहीं बनी है कि क्लेम या फिर स्ट्राइक मिलने के बाद आप लोग अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं कर सकते। इसके लिए आपको अगर दो स्ट्राइक भी मिली है फिर भी आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेज सकते हैं, तो ये दो चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है, कॉपीराइट क्लेम और स्ट्राइक के बारे में जो मैंने आप लोग को बताया हो। बहुत से लोग इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज रहते हैं। अब यहाँ पर मैंने तीनों चीज़ बता दिया हो, रीयूज कंटेंट, कॉपीराइट क्लेम, कॉपीराइट स्ट्राइक, ये बात का आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है, उसके बाद ही आपको अपने चैनल को मोनेटाइज के लिए अप्लाई करना है। अब गाइस यहाँ पे देख लीजिए, बात ये निकल के आती है जब आपके चैनल का मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाता है तो इनेबल होने के बाद बहुत से लोग बहुत सारी गलती करते हैं, तो वो गलती आप लोग को बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, देख लीजिए जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो सबसे पहले तो आप लोगों को 4 से 5 दिन वेट कर लेना है, एक भी वीडियो को एड रनिंग नहीं करना है, एक भी वीडियो पर आपको एड नहीं लगाना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, मेरे तो एक दिन में 5000 व्यू आ रहे हैं, 2000 व्यू आ रहे हैं, चलिए मैं इस पर अपना जो मोनेटाइजेशन एड है वो लगा देता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी गाइज आप लोग को नहीं करना है। 4 से 5 दिन वेट कर लेना है, वैसे तो आप लोग बहुत वेट करते हैं, फिर मोनेटाइजेशन इनेबल होने के बाद 4-5 दिन बाद आपको क्या करना है, ऐसे वीडियो पे ऐड लगाना है जिस पे आपको रोज 50-100 व्यू आ रहे हैं, उसी वीडियो पे ऐड लगाना है, बाकी पे नहीं लगाना है। और उस पर भी आप लोग ऐड लगाएंगे तो आपको कौन से ऐड लगाना है और कौन से नहीं लगाना है, सारे ऐड में से बस आपको एक ऐड ऑफ करना है, स्किपेबल ऐड, बाकी ऑल ऐड आप लोग रनिंग कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपको स्किपेबल जो ऐड होता है उसको ऑफ करके रखना है कुछ दिन के लिए, ठीक है। उसके बाद गाइस यहाँ पे देख लीजिए आपको क्या ध्यान रखना है, आपको उसके बाद रीयूज कंटेंट तो गलती से भी नहीं डालना है, क्योंकि आपको उसके बाद और मेहनत करना है, उसके बाद और सख्ती हो जाती है आपके चैनल पर, आपको हमेशा वर्क करना है डेली, अगर आपको अपने चैनल को बड़ा करना है तो उस पर आपको जैसे कि मोनेटाइजेशन के पहले किस तरीके से मेहनत कर रहे थे उससे ज़्यादा उसके बाद आपको अपने चैनल पर मेहनत करना है, तभी आपका चैनल एक बड़े लेवल पर पहुँच जाएगा। और उसके बाद देख लीजिए, उसके पहले आपने जो गलती करी है वो तो मान्य है, लेकिन अगर आप लोग मोनेटाइजेशन के बाद कोई गलती करते हैं तो इसके बाद डायरेक्ट आपका जो मोनेटाइजेशन है वो परमानेंट
मेंटली डिसेबल भी हो सकता है। तो ये जो चीज़ मैंने आप लोगों को बताया हूँ मोनिटाइजेशन के पहले और उसके बाद क्या ध्यान रखना है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। और दोस्तों एक चीज़ का आप लोगों को और ध्यान रखना है, सीटीआर आप लोगों को 2 से 3 दिन में हमेशा एक बार चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई ऐसी आपकी वीडियो है जिस पे एक दिन में बहुत ज़्यादा रीच मिल रहा है, ट्रैफिक उस पे बहुत ज़्यादा आ रही है, तो उसके ऐड को आपको ऑफ कर देना है कुछ दिनों के लिए, नहीं तो दोस्तों ये इनवैलिड क्लिक के अंदर गिना जाएगा और इसकी वजह से आपका जो एडसेंस अकाउंट है वो परमानेंटली डिसेबल हो सकता है। तो ये चीज़ को आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है, 2 से 3 दिन में हमेशा आपको सीटीआर चेक करना है। और दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो कर देना भाई लाइक, कर देना अपने दोस्तों के साथ शेयर। मैं राहुल जैसल आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।